की पंचमी कौन सी तिथि? पंचमी। चाहे वो शुक्ल पक्ष की हो, चाहे वो कृष्ण पक्ष की। श्रावण महीने की पंचमी के दिन शंकर भगवान पर जिस परिवार के व्यक्ति का कांवड़ जल हमने बताया है आपको, जरूरी नहीं है कि डंडा बांधकर दो कांवड़ के जल के लोटे लेकर जाओ, आप अपने हाथ में भी दो पात्र लेकर जा सकते हैं। पंचमी तिथि के दिन हाथ में दो लोटे जल के, दो कलश जल के जब हम शंकर भगवान को चढ़ाते हैं, तो ऊपर जो कमंडल होता है शिव जी के ऊपर जलधारी होती है, जिसमें जया विषहरा शामली बारी दौतली और देव शंकर भगवान की पांच बेटियां जिसमें विराजमान होती हैं, जब हम जल समर्पित करते हैं, हमारे पीढ़ी में परिवार में अगर कोई अधोगति में मर गया होता है, कुंवारी अवस्था में चले गया होता है, गर्भ में मर गया होता है, गर्भ के बाहर निकल कर भी अगर कुंवारी अवस्था में चले गया होता है, तो श्रावण महीने की दोनों पंचमी पर परिवार का अगर कोई एक व्यक्ति भी जल चढ़ा देता है शंकर भगवान पर, तो सर्प की योनि में नहीं पड़ता, जीव मुक्त हो जाता है, प्रेत योनि में सर्प की योनि से मुक्त हो जाता है। महाराज, हमारे यहाँ सांपों की पूजन कौन से दिन होती है, कौन सी तिथि में करते हैं? जम के बोलो जरा। नाग पंचमी। नाग पंचमी का मतलब क्या है? सांपों की पूजन करो। नाग पंचमी का मतलब होता है शंकर जी के मंदिर में जाकर एक लोटा जल समर्पित कर दो। उसका कारण क्या है कि हमारे परिवार में, हमारे कुटुंब में कोई साथ कुटुंब में, परिवार में कोई सात पीढ़ी के अंतर्गत भी अगर कोई जीव तड़प रहा होता है, पड़ा हुआ होता है, उसकी मुक्ति नहीं होती है, तो पंचमी का चढ़ा हुआ जल उस जीव को प्राप्त हो जाता है और वो जीव तर जाता है, उसका फिर जन्म नहीं होता, वो तर। इसको मुक्तता का इसको मोक्ष का कहा। ये मोक्ष इसी को कहेंगे कि ये मुक्त। महाराज मार्कंडेय जी से कहा, तेरी उम्र 12 वर्ष की है, केवल 12 वर्ष, पूछा पिता जिसे चरण पकड़कर मार्कंडेय जी पूछते हैं, मैं 12 वर्ष बाद मर जाऊंगा? हाँ, प्राण छूट जाएंगे? हाँ, कथा सुनी थी पिताजी के मुख से कि यमराज आता है पाड़े पर बैठकर, गदा लेकर आता है, बड़ी बड़ी मूंछें हैं, काला स्वरूप है, मुकुट सोने का पहनता है, हीरे का उसमें एक रतन लगा होता है, गले में भी स्वर्ण उसमें हीरे जड़े होते हैं, काला विग्रह होता है यमराज का, और वो अपने दूतों के साथ आकर पास डालकर बांध कर ले जाता है। तो उस मार्कंडेय को वो चरित्र याद, आज अंतिम दिन 12 वर्ष की वो घड़ी, वो पल, वो क्षण आ गया जब मार्कंडेय जी के प्राण छूटना है, समय आ गया। मार्कंडेय जी के पिता जिसे कहा, जाओ और जाकर आप शंकर की भक्ति में रम जाओ। पिताजी और माताजी भी लग गए, मार्कंडेय जी भी लग गए। मार्कंडेय जी को लेने के लिए यमदूत आ गए, डर गया। थोड़ी देर बाद यमदूत देखे कि शंकर कर्मोदन कर रहा है, वापिस चले गए। यमराज आ गया, वही पाड़े पर बैठकर, वही भैंसे पर बैठकर, वही काला स्वरूप। डर लग गया 12 साल के बच्चे को, उसने शंकर का शिवलिंग पकड़ लिया, गले से लगा लिया, शंभो मुझे डर लग रहा है, शंकर मुझे भय लग रहा है। और तब तेज तेज महामृत्यु
पंजे मंत्र को वैदिक मंत्र को पुकारना प्रारंभ करा। जब 33 अक्षर के उस महामृत्युंजय मंत्र को पुकारा, शंकर सामने खड़ा हो गया, यमराज पीछे हट गया कि यह अब मेरा है, इसको तू नहीं मार सकता। वो 33 अक्षर के मंत्र का उच्चारण जब उस मार्कंडे जी ने करा, देवता जान गए कि इस मंत्र की मूलता क्या है। पहला मंत्र ओम नमः शिवाय, दूसरा मंत्र जम के बोलो महामृत्युंजय मंत्र, और तीसरा मंत्र वही श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ध्यान दीजिएगा, मंत्र के तीन क्रम है, वैदिक, तांत्रिक, शाब्दिक। मंत्र के तीन क्रम है, तीनों मंत्र देख लीजिए, तीनों का क्रम देख लीजिए। महामृत्युंजय मंत्र वैदिक मंत्र है, इसको जब ब्राह्मण जपता है कुसा का आसन बिछाकर मौन रहकर घट की जिभ्या से जपता है, अगर याद नहीं रहता तो भी धीमा धीमा बोलता है, तेज नहीं। महामृत्युंजय का जाप अनुष्ठान सामने कलश स्थापन कर प्रेम से 1,111,000 अनुष्ठान किया जाता है। ओम नमः शिवाय का जाप चलते फिरते किया जा सकता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम शाब्दिक मंत्र है, इस मंत्र का प्रयोग के लिए ना आसन की जरूरत है, न तप साधना की जरूरत है। जब जप रहे हो शंकर साक्षी, हाँ कोई रोग आ गया, कोई बीमारी आ गई, कोई कष्ट आ गया, बहुत भारी आ गया, तो महामृत्युंजय का स्मरण शंकर की साक्षी में होना चाहिए। वो 33 अक्षर का महामृत्युंजय मंत्र वैदिक मंत्र शिव की साक्षी में। पर दुनिया के लोग आज वो चिल्ला चिल्ला के उस मंत्र का स्मरण करते हैं, वो श्रेष्ठ नहीं है। नहा रहे हो, सोचादित कर्म में जा रहे हो, और वो डब्बा लगा दिया, अब मंत्र चल रहा है, आप मन से बोलिए, बोलना आवाज नहीं आना चाहिए। आज भी स्कंद पुराण कहती है कि भगवान शंकर ने अन्नपूर्णा के दरवाजे पर पहुंचकर जब काशी में भिक्षा मांगी थी तो अन्नपूर्णा ने कहा था, ए शंकर मैं उस गरीब से गरीब व्यक्ति का भी भंडार भर के रखूंगी, बस एक गलती नहीं होना चाहिए कि जहां भोजन बने उस स्थान पर बैठ कर, उस स्थान पर खड़े होकर भोजन बनाते समय उस भंडार ग्रह में जूता नहीं होना चाहिए, तो तुम्हें भर दूंगी भंडार। जिस प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर माताएं भोजन बनाती ना, सब्जी बगाड़ती, वहीं पे हाथ में लेके चख लेती, मई हरियो जगदम्बा विचार तो करो, भले तुम भगवान को भोग नहीं लगा रही पर पति तो परमेश्वर है, भले तुम भगवान को भोग नहीं लगा रही पर पति तो परमेश्वर है। पति के लिए कहा परमेश्वर, मतलब भले भगवान की तुमने सेवा नहीं करी, भले अर्चना नहीं करी, भले पूजन नहीं करी, पर पति तो परमेश्वर है। सब में ही तो वही समाया, घर में जो सास रहती है वो भी तो मां है, जो पिता रहता है वो भी तो बद्रीनारायण है, मारा फिर भी क्यों चक। तुम चक चक कर भी बनाना तो भी तुम्हारे घर में स्वाद नहीं रहेगा, और जिस मंदिर में, आश्रम में, भंडारे में जब तक भगवान का भोग नहीं लगता तब तक चखा नहीं जाता, चाहे नमक डला ना डला, मिर्ची डली ना डली, शक्कर डली ना डली, भंडारे के भोजन में जो मिला दिया आखिरी में फिर भगवान ने अगर पा लिया
तब चखा गया कि अब भोजन में स्वाद है कि नहीं है। तो कभी अन्नकूट की जो सामग्री बनती है, सब्जी बनती है, राम भाजी बनती है, राम भाजा बनता है, मिक्स वेज सब्जी बनती है, भगवान के भंडारे की कद्दू की सब्जी बनती है, उसमें आप भले मिर्ची ना डाली, नमक ना डाला, फिर भी घर में एक पूड़ी खाते हो गए, वहां चार निपटा क्या हो? क्यों? क्योंकि वहां अन्नपूर्णा स्वयं देने के लिए तैयार खड़ी है, और हमारे घर में तुम चक चक के बना रही, बेटे को दूध भी दे रही तो बोतल में से दो बूंद टपका के पहले चक। बाहर चले जाओ, बाहर चख सकते हो, बाहर जाकर पाओ, फिर बच्चे के लिए दूध में शक्कर मिला, चाय बनाते हुए गैस के ऊपर चाय रखी है, मैं उकल रही, मैं से चाय की चन्नी से लेके फिर चक। कैसे आए वे अन्नपूर्णा ये तो बताओ। लोग कहते हैं हमारे घर में सारा सुख है गुरुजी, पर शांति नहीं है, हमने शांति ना जाने चली गई क्योंकि किचन में किचकिच भर आ गई, शांति कहां से होगी? ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।